नमस्कार, मैं पीएन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं पीएन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसएससी सीएचएसएल 2018 का फाइनल रिजल्ट जब से अनाउंस हुआ है तो ओएच कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। पीए से जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आज एक और स्टूडेंट को मैं दिखाने वाला हूँ। इससे पहले एसएससी टॉक्स पे भी, एसएससी टॉक्स जो चैनल है उस पर भी एक कैंडिडेट का इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम थी। तो अभी मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि जिन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है उनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, क्या उसका सलूशन हो सकता है। और हम सभी लोग जो हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आपकी हर तरीके से यहाँ पर जो पॉसिबल हेल्प हो पाएगी वो हम लोग करेंगे। तो ये जो कैंडिडेट है इसकी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने हाइड कर दी है। इनका जो नाम है वो है मुश्ताक अली, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इनका जो नाम है वो मुश्ताक अली है, बाकी जो इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो हाइड है, ठीक है। अब देखो इनके जो टीयर वन में मार्क्स हैं वो कितने हैं, टोटल आप देखो फाइनल जो इनका स्कोर है वो कितना है, 115.89। और टीयर टू में इनका स्कोर कितना है, 71। तो यहाँ से नंबर इनके जोड़ लो 681, यानी कि 186.89 स्कोर है इनका, ठीक है। अभी मैं कट ऑफ भी दिखाऊँगा, सारी चीज़ें दिखाऊँगा। 186.89 इनका स्कोर है, ठीक है। इनको टाइपिंग में एग्जेम्पशन मिला क्योंकि इनके हाथों में भी प्रॉब्लम है और इनके पैरों में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। दोनों पैरों में भी प्रॉब्लम है और हाथों में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन्हें टाइपिंग में छूट मिली। तो इनका जो मार्क्स है वो आपने देख लिया है, 186.89 है, ठीक है। अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट में इनका नाम है या नहीं है। सबसे पहले ये देख लो आप, ये सबसे पहले आप देख लो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। और ओएच का जो कैटेगरी कोड है वो है 4 आपका, ठीक है। और आप ओएच की कटाप भी देख लेना, अभी मैं दिखा देता हूँ कि पीएसए के लिए आपकी ओएच की कटाप कितनी गई है, ठीक है। ये सारा वैकेंसी वगैरह का डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले आप आएँ सबसे नीचे, सबसे कम कटाप पीएसए की गई है आपकी। तो ये देखिए आप, ये पी वाला जो कोड है P41, इसमें 4 नंबर का देखो, जो 4 कैटेगरी है इसका कट ऑफ देखो, इसमें वैकेंसी कितनी है 38 और इसका जो कट ऑफ है वो कितना है, 172.93। टीयर 2 के मार्क्स कितने होने चाहिए, 63, और ये जो है डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है, मतलब इससे ऊपर वाले लिए गए होंगे। तो 172.93 आपका कट ऑफ है और जो कैंडिडेट था उसके मार्क्स कितने हैं, 186.89 आपने देख लिया, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं रोल नंबर, कि इसका रोल नंबर है फाइनल लिस्ट में या नहीं है। सारे रोल नंबर हैं, चलिए इसका पहले रोल नंबर हम सर्च करते हैं। पहले इसके नाम से ही सर्च कर लेते हैं, MUSTAK मुश्ताक अली, ठीक है। तो सर्च करते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो मैच फाउंड, ठीक है। चलिए अब रोल नंबर से चेक कर लेते हैं। रोल नंबर से जब हमने चेक किया तब भी देखो लिख के आ रहा है नो मैच फाउंड, ठीक है। इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। अब आप खुद देखो कि 173 नंबर, 172 नंबर कट ऑफ गई है और इसके जो मार्क्स हैं वो 186.89 है, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है वो नोट करने रिगार्डिंग है। ओएच कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको ये ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी आपकी कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई है, आप एक अपना ग्रुप बनाइए, उस पर सारे लोग एक बार मतलब जब जुड़ेंगे तो सारे ढेर सारे बच्चे जो होंगे तो सभी की अगर प्रॉब्लम कॉमन होगी तो फिर क्या है कि आप अगर आगे एक्शन लोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। तो आपको करना क्या है, पहले इसके रिगार्डिंग आप ग्रुप बनाओ और सभी लोग ऐड हो और फिर आप इसके जो एसएससी है इसके खिलाफ़ आप लीगल जो एक्शन है वो आप ले सकते हो कि मतलब मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ जबकि मार्क्स मेरे ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट बता रहा था, अभी मैंने चैनल पर देखा था, एसएससी टॉक्स पे चैनल पर ही बता रहा था स्टूडेंट कि वहाँ पर जब वो डिपार्टमेंट में पता करने गया जो हेड ऑफिस है एसएससी का, तो वहाँ पे बताया कि पीए का ये सर्कुलर आया है पीएसए पोस्ट के लिए कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, मतलब जो दोनों हाथों या पैरों से जो विकलांग है उनके लिए पोस्ट जो है वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप इस पॉइंट को आप इस तरीके से काउंटर कर सकते हो कि जो भी एसएससी वैकेंसी निकालती है सारे नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा होता है कि क्या एलिजिबल है क्या एलिजिबल नहीं है।
तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा आपका। तो आप लोगों को करना क्या, पहले एक साथ होइए, फिर आप कुछ आगे अपना प्रोसेस इसके बारे में बढ़ाइए, तभी कुछ ना कुछ आपका सलूशन निकलता रहेगा। और जितना हम लोगों का हो सकेगा, चाहे मैं हूँ चाहे एसएससी टॉक्स वाले सर हैं, सब आप लोगों की हेल्प के लिए बैठे हैं, आपकी हेल्प पूरी पूरी की जाएगी। जो हमसे हो पाएगा हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।